हेलो फ्रेंड्स, मैं अदिति अदिमोल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए चावल से मसाले राय, जिसे आप टिफिन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लेफ्ट ओवर राइस लिया है, जिसमें हम सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैंने राई, जीरा, हींग, लवंग और दालचीनी, कड़ी पत्ता, एक तेज पत्ता, उन्हें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इनमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज हमें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करते रहना है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी से पक जाते हैं। तो अब ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हरा धनिया, इन चीजों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इनमें ऐड कर देंगे लेफ्ट ओवर राइस। आप राइस फ्रेश भी बना सकते हैं या फिर रात के बचे हुए चावल से भी आप ये बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन आप इनमें रात के बचे हुए चावल का ही इस्तेमाल कीजिए। रात के बचे हुए चावल से अगर आप मसाले भात बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरह से निकल गया होता है और ये बिल्कुल पानी नहीं रहता है इसमें। तो मैं प्रेफर करूँगी आप इसमें बचे हुए चावल से बनाइए। और दूसरा ये कि रात के चावल आसानी से इस्तेमाल भी हो जाएंगे। अब इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए एक ढक्कन रख लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। अब 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं, राइस अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारे मसाले राइस रेडी हो चुका है। अब इनमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना फटाफट और आसानी से बनने वाला ये मसाले राइस रेडी है। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।